बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए खोए मलाई वाली कुल्फी की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत आसान तरीका बताऊंगा और ये इतनी स्पेशल होगी कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप बाहर की कुल्फी खाना बंद कर देंगे। और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 लीटर मिल्क लिया है, जो खुला मिल्क होता है, फुल ऑफ फैट। और बर्तन का थोड़ा सा कंगाल भी ऐड कर लेते हैं ताकि हल्की सी भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है और इसको आपने अच्छे से बॉयल आने देना है। इसमें 3 से 4 हरी इलायची तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। बेसिकली यहाँ पे पाउडर जाता है, लेकिन नॉर्मली घरों में इलायची का पाउडर अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए इसको कूट के आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। स्टार्ट में मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी तरह से इसमें समा सके। अब यहाँ पे अहम बात कि आप इस फ्लेम के ऊपर आप दूध को पड़ा रहने दें। ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और खुद ये पकता रहता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप इसके ऊपर खड़े रहें और ध्यान रखें, तो ये एक मॉडरेट सा फ्लेम होता है, इसको जहन में रखा करें। चलें जी, यहाँ पर देखें जो दूध है वो काफ़ी हद तक हमारा ड्राई हो चुका है यहाँ पर। और देखें ये बिल्कुल भी उबल के बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर इसको रखा था। तो ये देखें दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें टेस्ट के लिए हम बादाम ऐड कर देंगे, कुटे हुए बादाम, कटे हुए नहीं। कुटा हुआ जो बादाम होता है इसके अंदर जो है वो बारीक सा पाउडर भी एक बन जाता है। वो क्या करता है कि वो दूध के अंदर मिक्स हो जाता है, पक जाता है, तो इसका फ्लेवर दूध के अंदर ज़्यादा बेहतरी से आ जाता है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पका रहे हैं। ये है हमारे पास एक स्लाइस डबल रोटी का, जिसको हमने चूड़ा कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी ऐड करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। चलें जी, अब मिक्सिंग करते हैं, अच्छे से इसको पका लेते हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, अब एक बहुत इसमें मज़ेदार सी चीज़ ऐड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारे पास ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे, दो काम होंगे। एक तो ये कि इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा और दूसरी चीज़ इसकी खुशबू बहुत शानदार हो जाएगी। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप इसकी जगह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर ना भी ऐड करें तो ये वाइट कलर की भी खोए मलाई वाली कुल्फ़ी अच्छी लगती है। चलें जी, अच्छी तरह से इसको हम पका लेंगे। अब इसमें चीनी ऐड करने की बारी आती है। मैं सिर्फ 3 टेबलस्पून चीनी की ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमी या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने इसको ड्राई करना काफ़ी, तो इतनी चीनी काफ़ी होगी। चलें जी, यहाँ पे आपने इसकी वैसी पकाई करनी है विदाउट मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि इसमें गाढ़ापन आ जाए, ज़ाफ़रान जो है अच्छे से कुक हो जाए, उसका कलर और फ्लेवर निकल आए। अब इसमें हमने ऐड करना है खोया, तकरीबन 100 ग्राम खोया है। ये मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, बहुत ही आसान है ये बनाना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। खोया को इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे, उससे क्या होगा ये अच्छे से पिघल जाएगा, इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। और जब मेल्ट हो जाएगा तब चम्मच से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, अब देखें हमारी जो रेसिपी है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। जब बबल का साइज़ बड़ा हो जाए और इसमें गाढ़ापन आ जाए, ये देखें आप, तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना, रख के रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे हमारे पास है पाइपिंग बैग, ये केक की रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, बहुत सस्ते हैं, 100 रुपये में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये आप ज़रूर रखा करें घर पे, बहुत सी रेसिपीज़ में काम आते हैं। तो ये ले जी, ये हमारी रबड़ी सी खोया सा तैयार है। इसको हम चम्मच में ऐड करते हैं और इसको हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस बैग के अंदर। ये लीजिए, इससे क्या होगा हमें पोर करने में आसानी होगी। यहाँ पे हमारे पास मोल्ड है, जिसको सांचे भी कहा जाता है। तो ये मुझे मिले हैं एक रेड़ी वाले से, उसकी मेहरबानी, उसने मुझे ये दे दिए। तो यहाँ पे आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, बहुत सस्ते, 20-25 रुपए का एक होता है ये। और साथ इसके जो हमारे पास ये स्टिक्स भी हैं, इनको अच्छे से धो लिया हमने और इसके अंदर इसको हम पोर कर देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं इस खोए को, इस रबड़ी को, जो मर्ज़ी आप कह लें। और इसके अंदर हम ये जो स्टिक्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे। अब अहम बात कि इसको आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये गिर जाएंगी, खोया निकल जाएगा। तो उसकी भी एक टेक्निक है, मैंने खुद ही सोची अभी कि इसको कैसे उसमें रखा जा सकता है। चलें जी, कुछ और मोल्ड्स हैं हमारे पास, ये आपको मार्केट से जस्ट 100 रुपये के मिल जाएंगे, बहुत काम आने वाले हैं आगे गर्मियों में, ये आप खरीद लें, ठीक है। इसमें भी हम इस खोए को पोर कर देंगे। ये सिर्फ 100 रुपये का आपको जहाँ से बर्तन मिलते हैं प्लास्टिक के, वहाँ से मिल जाएगा। ये इसका ढक्कन है विद स्टिक, इसके ऊपर लगा देंगे और इनको फ्रीज़र में रख देंगे। और ये जो मोल्ड्स हैं इनके ऊपर हम एक रबर बैंड लगा देंगे और उसके बाद एक ग्लास के अंदर रख लेंगे, ये गिरेगा नहीं। और इसको रख देंगे फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे, इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और उसके बाद ये लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। ये तैयार है, थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके मोल्ड के ऊपर और ये खोए वाली कुल्फी बाहर आ जाएगी। और देखें जी, बहुत ही मज़े की चक्की काटते हैं इसको और देखते हैं कि ये कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शानदार है। और ये लें जी ये दूसरी प्लास्टिक के मोल्ड वाली। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इजाज़त सारी को इजाज़त, तकलीफ तक अल्लाह हाफिज़।